नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। आज हम शतरंज की ओपन फाइल्स के बारे में सीखेंगे। शतरंज का जो बोर्ड है, इसके ऊपर ये जो कॉलम है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनको चेस में फाइल्स कहते हैं। पुराना शब्द है, वो वही चालू रखा है। कि जो मैथमेटिक्स में पूरे चेस बोर्ड को टेबल कहेंगे, और ए बी सी डी एफ जी एच जो है इसको कॉलम कहेंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो है इसको रोज कहेंगे, लेकिन चेस में शतरंज में इसको रैंक कहते हैं। तो ओपन फाइल ऐसी फाइल होती है जहाँ पर काला या सफ़ेद कोई भी पॉन नहीं रहता है, प्यादा इस जिसके जो फाइल पे नहीं रहता है उसे ओपन फाइल कहते हैं। जैसे ये ई फाइल है, ई फाइल में ये सफ़ेद रुक है, यहाँ पे कोई भी प्यादा नहीं है, क्या काला या सफ़ेद, तो इसे ओपन फाइल कहेंगे। अभी इसमें ठीक है, ये रुक यहाँ ई एट पे जाके बैक रैंक मेट होता है, वो अपना ये रुक यहाँ पे जाके ये मेट होता है, ये अपना सब्जेक्ट नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, रॉयल ओपेज एक क्लोज वेरिएशन में गेम हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा मैं स्लो चलाता हूँ, आपको स्टडी करना है तो आप वीडियो थोड़ा रोक रोक के देख सकते हैं। अभी एक्चुअली फाइल ओपन होने के लिए यहाँ पे 15 मूव्स लगे हैं। अभी ये 14वीं मूव है, 15 मूव्स होने के बाद ये ए फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो गई। यहाँ पे कोई भी पॉन नहीं है, ये रुक यहाँ पे है तो ओपन हो गए। आगे गेम देखते हैं, 16वीं मूव, 17वीं मूव। अभी यहाँ पे देखिए डी फाइल ये ओपन हो गई। यहाँ पे क्वीन ब्लैक है, ये घोड़ा काला है, घोड़ा सफ़ेद है, और एक क्वीन वाइट है, तो पॉन कोई भी नहीं है डी फाइल के ऊपर, तो डी फाइल ओपन हो गई। ये ई फाइल के ऊपर भी ये बिशप इधर है, ये रुक इधर है, पॉन कोई भी नहीं है, तो डी और ई फाइल भी ओपन हो गई। मतलब ए डी और ई, ये तीन ओपन फाइल है यहाँ पे। अब ओपन फाइल के ऊपर रुक और क्वीन की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, बाकी के पीसेस की भी मूवमेंट होती है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे खेल शुरू हो तो किंग कैसल नहीं किया हो तो ई फाइल ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ई फाइल के ऊपर किंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी ये इसने घोड़ा जो इधर चला है, एक्चुअली रॉन्ग मूव है, इधर F6 के ऊपर लाना चाहिए था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी ओपन फाइल पे अटैक किया, इसने बिशप लिया, क्वीन ने रुक को मार दिया E7 के ऊपर, इसने घोड़ा यहाँ पे लिया H5 के ऊपर। अभी ये रॉन्ग मूव क्यों मैं बता रहा था, क्योंकि अभी ये अटैक सीधा G7 के ऊपर क्वीन का अटैक हो रहा है, और G7 वो चेकमेट हो जाएगा। अभी ये कोई भी खेलता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये G7 को अटैक करके यहाँ पे इसने चेकमेट किया। अगला एग्जांपल देखते हैं, अभी ये भी गेम थोड़ा फास्ट चला था, यहाँ पे भी लगभग 12 मूव्स के बाद फाइल्स ओपन मिली है। तो फाइल ओपन मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और कोशिश करनी चाहिए कि ओपन हो जाए फाइल। ये ई फाइल ओपन हो गई, देखो रुक सिर्फ इधर है, कोई भी पॉन नहीं। डी फाइल भी ओपन है, यहाँ क्वीन है, बिशप है, और एक क्वीन है, कोई भी पॉन नहीं, तो ये फाइल्स ओपन हो गई। थोड़ा सा आगे का खेल देखते हैं, ये रॉयल ओपेज में क्लोज सेंटर अटैक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टिपिकल ब्लंडर किया हुआ है ब्लैक ने, ये क्वीन यहाँ पे ले आया, वो एक्चुअली ये F7 के ऊपर इसका अटैक हो रहा है, यहाँ से बिशप अटैक कर रहा है, यहाँ से क्वीन अटैक कर रहे हैं, ऐसे समय थोड़ा सोचना चाहिए कि कुछ और ज़्यादा तो नहीं अटैक हो रहा है भारी,
इसको ब्लैक को ऐसे लगा कि अपना रुक है, तो क्वीन से मार दिया तो रुक से मारेंगे, या बिशप से मार दिया तो रुक से मारेंगे, लेकिन ये क्वीन से मार ही देता है इसको, क्वीन को सैक्रिफाइस कर देता है। क्वीन को सैक्रिफाइस करने के बाद ये रुक से उसको मार देता है, और ये सफ़ेद रुक यहाँ E8 पे आके मेट हो गए, बैक रैंक मेट हो गए, क्योंकि हाथी ने यहाँ किंग का रास्ता रोक दिया ऊपर, दो पॉन और एक हाथी, किंग ऊपर के रैंक सेवंथ रैंक पे किंग नहीं आ सकता है, ये चेकमेट हो गया। अगला गेम देखते हैं, अभी ये विश्वनाथन आनंद वर्सेस इवेंचुक, ये इन दोनों में हुआ है। विश्वनाथ आनंद सफ़ेद खेल रहे हैं और वो इवेंचुक ब्लैक खेल रहे हैं, ये भी थोड़ा फास्ट लेते हैं। यहाँ फाइल ओपन होने के लिए लगभग 34 मूव्स लगे हैं, इसका भी ज़रा स्टडी करना है, ऐसे गेम्स मतलब स्टडी करने चाहिए बड़े बड़े खिलाड़ियों के, अच्छा खुद को चेस प्लेयर बनना है तो। अभी इसमें भी एक्चुअली देखिए, अभी ये 22nd मूव है, बहुत बार हमें क्या होता है मुश्किल ज़्यादा है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ये बहुत आगे की सोचते हैं, 10-10 मूव आगे की सोचते हैं, तो एक पीस हिलाए तो वो क्यों वहाँ पे लिया है ये सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी यहाँ पे देखिए डी फाइल ओपन हो गई, और डी फाइल के ऊपर इसने दोनों रुक डी फाइल के ऊपर प्लेस किए, ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। थोड़ा सा अभी गेम आगे निकाल देते हैं, डी फाइल ओपन है और कोई फाइल ओपन है क्या, नहीं, ये क्लोज है, क्लोज है, एफ क्लोज है, ये ई सेमी ओपन है, सी सेमी ओपन है, सेमी ओपन का बाद में देखेंगे हम लोग, ये क्लोज है, बी ए, बी ए और बी क्लोज है, देखिए 34 मूव के बाद। अभी इसने रुक यहाँ पे लेके चेक दिया, ये थोड़ा सा ऐसा गेम हो गया। अभी रैंक भी बोलो तो ये ओपन है, उसको ओपन रैंक ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन ओपन ही है, रैंक के ऊपर भी पूरा ये रुक मूव सको, ये रैंक ये जो है 8th रैंक, ये पूरा ओपन है, ये फर्स्ट रैंक पूरा ओपन है। अभी यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन किया है और खेल को छोड़ दिया, उसको समझ में आया कि अपने अभी हार होने वाली है, क्योंकि ये पॉन जो है ये भी दिखता है कि यहाँ ए पे जाके उसको प्रमोशन हो जाए, तो थोड़ा हम लोग खुद सोचते हैं कि कैसा खेल हुआ होगा। तो लगभग 13 मूव्स लगती है और आगे के मेट हो जाए, देखिए इसने कैसा भी करके इसको पॉन को प्रमोट किया और यहाँ पे वजीर उसका आ गया, अब तो खेल काले के लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसा वो खेल सकता है, मतलब उसने ये सोच के कर दिया कि अभी ये यहाँ पे अभी क्वीन आके ये मेट हो गया ब्लैक किंग के ऊपर, कहीं भी नहीं जा सकता किंग, तो 13 मूव्स के बाद मेट हो गए। अगला गेम देखते हैं, अभी ये सिसिलियन डिफेंस में खेला हुआ गेम है, और यहाँ पे हम लोग मतलब हाफ ओपन फाइल का यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अभी हाफ ओपन में क्या होता है कि एक एक कलर का पॉन अगर कोई भी फाइल में है तो उसे हाफ ओपन फाइल कहते हैं, जैसे यहाँ पे डी फाइल है, सिर्फ काला काले कलर का पॉन इसके ऊपर है तो ये हाफ ओपन इसको कहते हैं, सी फाइल है जिसके ऊपर सिर्फ एक सफ़ेद पॉन है तो इसको भी हाफ ओपन कहते हैं, जिसमें एक ही ये होगा। तो हाफ ओपन फाइल्स तो कई क्रिएट होती है खेलते समय, विशेषतः सिसिलियन डिफेंस वगैरह उसमें ज़्यादा होती है ऐसा बोलते हैं। अभी ये खेल कुछ आगे ज़्यादा हम लोग नहीं देख रहे, सिर्फ हाफ ओपन फाइल के लिए यहाँ तक ये पोजीशन दिखा है। अगला खेल हम लोग खेलते हैं, ये वेली वर्सेस जूडिथ पोलगर के बीच हुआ है, जूडिथ पोलगर ने ब्लैक पीसेस लिए हुए। अभी जूडिथ पोलगर के बारे में आपको जानकारी होगी, ये लेडी है, हंगेरी से थी, खेलती थी, 23 जुलाई 1976 को इनका जन्म हुआ, और उसने
15 साल 4 महीने की थी तब वो ग्रैंड मास्टर बन गई, उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया। उसके पहले बॉबी फिशर का रिकॉर्ड था, वो उसने ब्रेक किया। और वुमेन चैम्पियन में नंबर 1 थी, एक्चुअली वर्ल्ड चैम्पियन का खिताब उसको नहीं मिला, लेकिन 1989 से 20 से 15 तक वो तो वुमेन वर्ल्ड वुमेन चैम्पियन ही थी। और बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ जैसे मैग्नस कार्लसन, एंडर विकारपाव, गैरी कास्परोव, क्रैमनिक, बोरिस पास्की, वैसिली स्माइलोव, टोपोलोव, विश्वनाथन आनंद, पोनोमारियो और कई मतलब वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ियों के साथ खेल के कहीं ना कहीं उसने कंपटीशन में उनको हराया है। मतलब द ग्रेटेस्ट लेडी, उनके बहुत वीडियोस आपको नेट के ऊपर मिलेंगे। तो ये खेल भी थोड़ा, और बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, बहुत मूव सोच के मूव करते हैं, उसके खेल देखने जैसे होते हैं। अभी उनका खेल ब्लैक लेके जूडिथ पोलकर खेल रहे हैं। काफ़ी दूर की मूव सोचती है वो। अभी यहाँ भी फाइल आप ओपन मिलने के लिए लगभग 30 मूव हुए हैं। गेम हो सके तो मतलब वीडियो पॉज करके या नोट डाउन करके खेल के देखना। अभी देखिए ए फाइल के ऊपर सिर्फ सफ़ेद पौन है, हाफ ओपन है। बी फाइल के ऊपर ये काला पौन है, हाफ ओपन है। ये सी पूरा ओपन है, डी हाफ ओपन है, ई हाफ ओपन है, एफ पूरा ओपन है, जी हाफ ओपन है, एच हाफ ओपन है। मतलब इधर हाफ ओपन है या फुल ओपन है, ऐसे है। आगे के यहाँ से आगे के ये देखते हैं। यहाँ के बाद दो मूव में मेट हो गए। ये इसने रुक को मार दिया एफ टू के ऊपर, इसने क्वीन से जी थ्री लिया, किंग यहाँ पे उसने एफ वन के ऊपर लिया और क्वीन से ये एफ टू मार के मेट किया हुआ है। तो ये था, ये थे फाइल, ओपन फाइल्स और हाफ फाइल के बारे में जानकारी। और भी वीडियोस में स्लोली कर रहा हूँ, ज़्यादा मराठी में कर रहा हूँ, उसके धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखते रहना, बिगिनर्स के लिए और बहुत उपयुक्त है डिफरेंट स्टडीज़ के लिए।